अस्सलाम वालेकुम। हैसेज लॉ, हैसेज लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे। हैसेज लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर अमूमन तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है, इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बॉम्ब कैलोरीमीटर, और लास्ट में हमारे पास हैसेज लॉ आ जाता है। हैसेज लॉ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हैसेज लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ मौजूद है, क्यों हमने हैसेज लॉ को चूज़ किया, इसका फ़ायदा क्या है। अच्छा, मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ, आपने इसके अगर बेस देखोगे ना, इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इसकी बेस है। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या कहते हैं, एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, यानी कि टोटल एनर्जी हमारे पास सेम रहती है। सेम इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ हैसेज लॉ है, इसके स्टेटमेंट सबसे पहले लिखो, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है, कहते हैं अगर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट सेवरल रूट, मुख्तलिफ रूट्स के अंदर या मुख्तलिफ रास्तों में हो रहा होता है, डिफरेंट सेवरल कहते हैं मुख्तलिफ रूट्स कहते हैं रास्तों को, मुख्तलिफ रास्तों में हो रहा होता है, देन द एनर्जी चेंज या एनर्जी इज सेम। तो एनर्जी हमारे पास सेम रहती है इरिस्पेक्टिव द रूट, रास्ते का लिहाज किए बगैर, इरिस्पेक्टिव द रूट जिसके ज़रिए से तब्दीली आई है। सही है, इफ़ वी प्रोवाइडेड अगर हम दे दें इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, या स्टेट कह लो, इनिशियल इब्तदाई शुरू वाली एंड फाइनल कंडीशंस सेम। अगर शुरू वाली कंडीशंस और आखिरी कंडीशन सेम दे दें, मसलन टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, आपका रिएक्शन के शुरू होने से पहले और रिएक्शन का आखिर होने तक सेम दें, तो उस वक्त जो एनर्जी चेंज आ रहा होता है, बेशक वो रिएक्शन आपका एक ही रास्ते से हो रहा है या फिर मुख्तलिफ रास्तों से हो रहा है, वो हमेशा सेम होता है। मसलन मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने ना एक प्रोडक्ट बनाना है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, मैं इस रिएक्टेंट से डी बनाना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ बनाना चाहता हूँ, डी। मैं कहता हूँ जब रिएक्टेंट ए डी के अंदर चेंज हुआ, तो इस वक्त जो एनर्जी का चेंज आया, मैं उसको सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे डेल्टा एच वन एनर्जी रिलीज हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, इन दोनों में से एक काम होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। या हम किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं, पहला रास्ता तो ये है। अब इसके बाद सेकंड रास्ता देखिएगा, सेकंड रास्ता ये है कि आप ए को पहले बी के अंदर कन्वर्ट करो, बी को सी में कन्वर्ट करो और सी को डी में कन्वर्ट कर दो। सही, यहाँ पे हमारे पास जो चेंज, देखो ए से जब बी बनेगा तो यहाँ पे जो चेंज आएगा उसको कहेंगे डेल्टा एच टू, सपोज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चेंज आएगा उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एनर्जी का चेंज डेल्टा एच थ्री, और यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज है उसको डेल्टा एच फोर का नाम दे देते हैं। कहता आपका रिएक्शन बेशक एक ही स्टेप के अंदर हो रहा हो या फिर मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर हो रहा हो, एनर्जी का चेंज इस स्टेप में और इन तीन स्टेप्स का सम कर लो, इनके बराबर होगा। तो ये मतलब सिंपल सी बात है, कहता जी अगर आप एक, ये आपका पॉइंट है, ये हमारे पास नॉर्मल जिंदगी में तो नहीं अप्लीकेबल होता लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर अप्लीकेबल होता है। कहता आप यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं तो, और एक रास्ता ये वाला, आप यहाँ से यहाँ पे गए फिर यहाँ से यहाँ पे गए, हमारा जो कॉमन सेंस है वो तो यही कहती है कि जब हम लंबे रास्ते से जाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, जब छोटे रास्ते जाएंगे तो एनर्जी कम लगेगी, लेकिन ये तो हमारे पास नॉर्मल फिजिकल एग्जांपल। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है, कहता है अगर आप एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और
ये सिंपल एक ही स्टेप के अंदर हो रहा, तो इसके अंदर जो एनर्जी का चेंज आता है वो सेम होता है जब आप उस रिएक्टेंट से मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हुए वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँचो। उस रास्ते में जितना भी एनर्जी का चेंज आया सबको जमा कर लो, वो डेल्टा एच वन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? डेल्टा एच वन के। यही बात मैंने लिखी है कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो रहा हो मुख्तलिफ रास्तों में तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। आपने इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है लिहाज किए बगैर, आपने ये नहीं देखना कि रास्ता यहाँ से यहाँ पे गया है रिएक्शन, ये यहाँ से यहाँ पे गया है। सही है, यही चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग दो, एक्सप्लेनेशन में हमने ये बात लिखनी है कि सपोज, यही बात मैं लिखूंगा, सपोज वी वांट टू चेंज आर रिएक्टेंट ए इनटू डी, देन टू रूट्स, दो रास्ते हैं हमारे पास इसको चेंज करने का। पहला है कि हम इसको डायरेक्ट ए से डी में चेंज कर दें, दूसरा ये है कि आप ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ और सी से डी बना दो। सपोज फर्ज कर लो वी हैव आर रिएक्टेंट, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए विच, जिसको हम ये चाहते हैं, विच वी वांट टू चेंज, जिसको हम ये करना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, चेंज इनटू प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट में तब्दील करना चाहते हैं, प्रोडक्ट डी। देयर आर टू रूट्स, दो रास्ते हैं, एक है डायरेक्ट रास्ता, एक है इनडायरेक्ट रास्ता। मैं दोनों लिख देता हूँ, देयर आर टू रूट, वन इज चेंज रिएक्टेंट ए, आप रिएक्टेंट ए को लो, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज कर दो, एंड चेंज इनटू वन इज चेंज रिएक्टेंट ए इनटू प्रोडक्ट, इनटू प्रोडक्ट डी में चेंज कर दो। दूसरा रास्ता क्या है, आप रिएक्टेंट ए लो, इसे बी बनाओ, फिर सी बनाओ, फिर डी में चेंज करो। सही है, अदर रूट इज चेंज द रिएक्टेंट ए इनटू बी सी, पहले आप रिएक्टेंट ए को बी में चेंज करो, फिर सी में और लास्ट में, एंड इन द लास्ट और आखिर में इनटू डी। और यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज है वो मैं बताने लगा हूँ, नाउ एनर्जी चेंज विल बी, और यहाँ पे एनर्जी चेंज विल बी, एनर्जी की तब्दीली जो होगी ये वाली कुछ होगी। क्या हमारे पास अगर डेल्टा एच वन की वैल्यू देखोगे, जो भी वैल्यू आएगी इसको समझिएगा, डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच वन ये वाली जब डायरेक्ट कन्वर्जन कर रहे, इस वक्त जो एनर्जी में तब्दीली आएगी वो इस दूसरे रास्ते में जितनी भी एनर्जी में तब्दीलियां आ रही हैं उन सब का सम होगा। मतलब ये हमारे पास डेल्टा एच वन बराबर होगा डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर। अच्छा, अगर मैं इस एंथैल्पी को उठा के उस साइड पर ले जाऊँ या उस सारियों को उठा के इस साइड पर ले आऊँ तो क्या होगा, ज़रा गौर करना। डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच थ्री माइनस डेल्टा एच फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ऊपर मैंने एक बात की हुई है कि डेल्टा एच वन बराबर है इन सब के सम से, सम के। सही, मतलब अगर मेरे पास ये वाली भी 15 वैल्यू आती है तो ये वाली भी कितनी आएगी? 15। मतलब मैं अगर सब इन एंथैल्पीज की जमा करता हूँ, सब एंथैल्पीज को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इन सब एंथैल्पी का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? ज़ीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? ज़ीरो का। यही बात मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, डेल्टा सिग्मा, इस तरह एक सिग्मा साइन यूज करते हैं, सिग्मा का मतलब है सम ऑफ किसका, ऑल द एंथैल्पी या साइक्लिक, यहाँ मैं साइक्लिक लिख रहा हूँ, इक्वल टू ज़ीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कि आप किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज देखोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो के। अगर आप प्रोवाइड करोगे शुरू वाली कंडीशन और फाइनल कंडीशन, मतलब आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया हो तो आपने जितना टेम्परेचर प्रेशर दिया रिएक्शन के लास्ट होने तक, एंड होने तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही होना चाहिए। सही, ये बात याद रखिएगा। इसी की थोड़ी सी मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ कि एनर्जी चेंज या इंथाल्पी चेंज भी कह सकते हो, एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में जो एनर्जी की तब्दीली हो रही है, इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज, ये हमेशा होती है, इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ये जीरो के बराबर होती है। वैसे शुरू में सिग्मा की जगह पे एक सिग्मा लिख लो, सिग्मा का मतलब सम ऑफ एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट भी कह सकते हो इसके हैसेस ला की, कि अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, देख लो ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है, इसके अंदर जितना भी सम होगा एनर्जी का, सारी एनर्जी को जमा कर लो, वो हमेशा इक्वल टू जीरो होगा। चलो ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद इसकी बेस किस चीज़ के ऊपर है, इस लॉ की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर, बेस की एडिंग दे दो। इसकी बुनियाद है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर इसकी बुनियाद। यह सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने ना इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है दो एग्जांपल यूज़ करेंगे। सही, इसकी पूरी ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलो इसको देखिएगा ये क्या एक्सप्लेनेशन करनी है। चलो जी एग्जांपल्स, अगर ये वाली चीज़ अभी तक याद है, थोड़ी बहुत अंदाज़ा हो गया है, तो आप एग्जाम्पल को ईजिली समझ जाओगे। सही है, हमने यहाँ पे एक बात लिखी है, अगर रिएक्शन अगर आपका एक स्टेप के अंदर हो रहा हो या दो स्टेप के अंदर हो रहा, टोटल एनर्जी का जो यहाँ पे टोटल एनर्जी चेंज आता है वो हमेशा इक्वल टू सेम हमेशा जीरो होता है या फिर सेम होगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम यही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। कहते हैं हमारे पास ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन हम करवाएं किस चीज़ के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो हमारे पास ये वाली चीज़ पैदा हो जाती है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये वाली चीज़ पैदा होती है। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पे 2 और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे पहले नंबर पे आप एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सोडियम NaHCO3 बनता है, NaHCO3। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप फिर इसका एक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल के साथ करवा दो तो ये वाली चीज़ बन जाती है वाटर के एलिमिनेशन के साथ। और यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे जो डेल्टा एच वन है, और यहाँ पे देखो ये दो स्टेप के अंदर हो रहा है। यहाँ देखें ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इन रिएक्टेंट को मिला के मैं यहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ। रिएक्शन मैंने कहा बेशक एक स्टेप के अंदर हो या फिर दो या तीन स्टेप्स के अंदर हो, उनमें जो एनर्जी चेंज होता है, जो एनर्जी का सम होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा जीरो का, एक स्टेप के बराबर होगा। अगर एक स्टेप के अंदर हो रहा है डेल्टा एच वन की वैल्यू बाकी जो दो या तीन स्टेप्स के अंदर हो रहा है उन सब के सम के बराबर होगा। अगर आप इसको उठा के इस साइड पर लेके जाते हो, साइक्लिक प्रोसेस बनाते हो, तो फिर जीरो होगा। वो भी देख रहे हैं किस तरह जीरो होता है। चलो मैंने अब किया कि जी यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करने लगा हूँ। अगर तो हम सिंपल एक स्टेप के अंदर रिएक्शन करवाते हो, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग दे दो, हम यहाँ पे जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो ये वाली है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करना चाहते हैं। किस तरह फॉर्मेशन होगी ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट स्टेप में, इन सिंगल स्टेप सिर्फ एक स्टेप के अंदर सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करने लगे हैं। 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर जो डेल्टा हमारे पास चीज़ बनेगी CaNA2
CO3 बन जाएगा, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर जो डेल्टा एच वन की वैल्यू है, देखिए मैंने यहाँ पे सपोज किया जब डायरेक्ट बनाते डेल्टा एच वन है, यहाँ पर जो डेल्टा एच वन की वैल्यू है वो है -89.06 किलो जावल पर मोल। ये एनर्जी की वैल्यू, ये याद रखिए, वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। अब इन टू स्टेप्स हम दो स्टेप्स के अंदर जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है, ज़रा गौर करना आप। मैंने कहा कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, जैसे रिएक्शन करवाओगे आपने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। बस ये क्या बनेगा, NaHCO3, ऑक्सीजन तीन है, हाइड्रोजन एक है, कार्बन एक है, इसलिए हमारे पास बन जाएगा NaHCO3, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज आता है, ये एनर्जी का चेंज वैल्यूज़ याद रखनी है आपने। यहाँ पर डेल्टा एच टू, देखो मैंने यहाँ पर डेल्टा एच टू की यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पर डेल्टा एच टू है, यहाँ पर डेल्टा एच थ्री है। डेल्टा एच टू की जो वैल्यू आती है वो आती है -48.06 आई थिंक, यहाँ पे 08 है, ये चेक कर लीजिएगा थोड़ी बहुत, 0 पॉइंट, बेशक आप पॉइंट के बाद लिखो ही ना, 08 का कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ तक लिख लो। ये हमारे पास आ रही है 48.06 किलो जावल पर मोल, और माइनस के अंदर वैल्यू है, क्या है माइनस के अंदर इसकी कीमत है। अब इसके बाद आ जाओ आप इसी चीज़ को लो दोबारा, फिर इस चीज़ का रिएक्शन करवा दो, किस चीज़ के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ दोबारा रिएक्शन करवाओगे, ये हमारे पास बन जाएगा Na2CO3, और साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू, वो डेल्टा एच की वैल्यू देखिएगा, डेल्टा एच थ्री यहाँ से यहाँ पे गए, अब इसको हमने डेल्टा एच थ्री का नाम दिया हुआ है, डेल्टा एच थ्री की जो वैल्यू है वो है -41.02 किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर मोल। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, देखो हमने एक बात कही है, बेशक रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो रहा हो या दो या तीन स्टेप्स के अंदर हो रहा हो, उन सब के एडिशन करोगे, एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास डेल्टा एच वन इज इक्वल टू, हमारे अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, आपका रिएक्शन बेशक एक स्टेप के अंदर हो रहा है या फिर सेवरल स्टेप्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी का चेंज आएगा हमेशा इक्वल होगा, यहाँ पे हो या यहाँ पे, चेक कर लीजिए हमारे पास यहाँ पे आंसर देख लो क्या आया, -89.08, और यहाँ पे क्या है हमारे पास -48.06 प्लस यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या है हमारे पास -41.02, दोनों को ऐड करोगे हमारे पास आ जाएगा -89.08 इज इक्वल टू -89 बनेगा 89.08, और दोनों की वैल्यू देख लो बराबर आ रही है, यही चीज़ इस लाख के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता था। सही है, यहाँ तक एक ही एग्जांपल करो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करके ना इसको ख़त्म कर देंगे, इसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। सही है, जो मेन चीज़ है ना वो ये है, सिंपल सी बात याद रखनी है, हर जिसको एक्सप्लेन करना चाहता था, कहता हमारे पास अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो रहा है उसमें जो एनर्जी की तब्दीली आती है, और मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर जो एनर्जी की तब्दीली आती है इस एक स्टेप की, और इन पूरे स्टेप्स की एनर्जी की तब्दीली के बराबर होती है, ये चीज़ सिंपल सी कहना चाहता था कि अगर हम यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जाएं तो भी उतनी एनर्जी लगती है, और इस पूरे रास्ते से होते होते जाएं तो भी उतनी ही एनर्जी लगेगी। ये सिंपल सी बात हैसेस कहना चाहता था, और इसी के ऊपर पूरे का पूरा लॉ है, और इसकी जो बेस है, बुनियाद है, वो किसके ऊपर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आपने जो करनी है मेन चीज़ें वो यही है कि हमारे पास एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन कर देनी है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन करनी है, एक एग्जांपल हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है इसके दो नंबर के लिए, जो दो नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें अमूमन पूछे जाते हैं, वह एक इसकी स्टेटमेंट है, याद रखिएगा स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है, नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे ना तो हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।